पश्चिम जिस तरह से देखते हैं हम कि अजकल जिस तरह से देख रहे कि मिनिस्ट्रियां वाले या चर्चा वाले अपना की अपना जो प्रचार करते हैं सुसमाचार लोगों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि ये जो सा संविधान है भारत का वह भी सू आग्ञा दिता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते। पर जो साडे चर्चा वाले मिनिस्ट्रियां वाले जो जाते हैं पिंड अपने पंपलेट देने वास्ते या मीटिंग का लोगों को सद्दा देने वास्ते, तो उत्थे जोड़े कुछ लोग मतलब हूँ तो हर पिंड विरोध करे करते, कोई कहता है कि साढ़े पिंड नहीं आने चाहिए, जे साडे पिंड आएंगे आप नंगे करके बन के इन्हों मारा, कोई कहता आप लत्तां वढ़ दांगे। तो इन्हां दे खिलाफ देखो जे साडे कोई क्रिश्चियन लीडर बोलते भी आ तो की है कि सरकार कुछ करती नहीं है ना पुलिस कुछ करती है, तो इस चीज़ का मतलब किस तरह हल हो सकता है? देखो जी इतने वोट बैंक का राज है पहली गल, दूजा जिन्ना मर्जी अन्याय कर लैण, एक न्यायी बैठा सारी दुनिया का न्याय करने वाला और वह न्याय करता है। आया से ना वो मुंडा बोलिया से ना प्रभु यीशु मसीह की शान के खिलाफ, अज की हाल है उन्होंने किसी मसीही बंदे ने तो नहीं उत्ते हमला किया, किसी मसीही बंदे ने तो नहीं वो घर तोड़िया जाके, परमेश्वर का क्रोध आया ना पिया उत्थे। सो आ जे ड्रामे करते ना असं पिंड वड़न देना कमजोर लोग है, जे ताकतवर हो ताकतवर कोई खौफ नहीं, जोर जबरदस्ती के नाल ना तो तुसी किसे नू किसे पासे जान तो रोक सकते ते ना किसे नू अपने पासे लिया सकते। तुसी प्रचार करो ना, तो बहाना सिर्फ ये भी लालच देंदे आ ये गुमराह करदे, तुसी भी लालच दिओ तुसी भी गुमराह करो, जे इधर नू आ जाओ तुसी दिओ ना लोगों नू लालच। सो कहण दा भाव आ वी रही गल एक गल तो पक्की, मसीही प्रचार नू दुनिया दे विच ना कोई पैदा होया ते रहिंदी दुनिया तक ना कोई पैदा हो सकता जिहड़ा इस प्रचार नू रोक सके। जे तो किसी बंदे ने शुरू किया हो, जे तो किसी बंदे की मत हो फिर तो ये रुक जाए, ये तो सीधा सीधा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वलों तो वो नाल ना कोई लड़ सकिया तो ना कोई लड़ सकता। रही गल रोका रकाई की कोई धमकियां देने की कोई हमले कर, मसीहत का तो इतिहास है, ये तो पहली सदी तो ही मसीही लोगों सताया गया, पहली सदी तो ही मसीही लोग कतल होंदे आए हैं। यह है मसीह का प्रेम जिहड़ा अहीं लोगों च दसदे हाँ, तो जो लोगों का प्रेम का पता लगता ना कोई मेरे वर्गे गुनहगार दे लई कुर्बान होया वो टुटदा आ, उहदा दिल टुटदा आ तो मसीह नूं अपना जीवन दिंदा है। तो यह जिदा मर्जी कहिए, हुण तुसीं दसो धर्म का एक बंदा ठेकेदार धर्म का अपने आप नूं कहण वाला कहिंदा जनानियां होण ते भावें बंदे होण असीं नंगियां करके बन्नांगे, किसी धी भैन नंगिया करके तू बन लिया भा जे जी तू अपनी धी भैन बन लिया, तेरा धर्म तेन यही सिखाता। जे इत वो कि धर्म आ भी जो किसी के घर परचा सुटीए तो बदल जाए, असं नहीं कहेंगे अं तो धीं भैन बना, क्योंकि तुम्हारे धीं भैन जिदा दिदा दाडिया, जिदा का तुम्हारा माँ बाप उदा का साडा है, असं जी अपने धी भैन माँ बाप में इज्जत दें उड़िया दें, साढ़े भी ताे बारे कोई इदा का साढ़े मन च कोई खोट नहीं कोई, क्योंकि असी मसीह के प्रेम में लैके लोगों जाने तो साडा विषय ही नहीं गा, इन्हों को बेचारे पल कुछ नहीं गा, प्रचारिक तौर उत्ते इन्हें पल कुछ नहीं गा, तो बस इदा जोर जबरदस्ती है। वो मुगलों तो गुरु साहबान छुड़ा के गया तो इन्होंने द्वारा मुगलों वाला काम ही फड़ लिया, मुगल भी किसी ने अपनी इच्छा के नाल नहीं भगती कर देते, हूँ ये भी कहें असं भी नहीं कर देने, हूँ कोई होर आ जाऊगा फिर इदा। सो पश्चिम से जानना चाहते जिस तरह तुम दसा कि तुम यूएसए के सेवकाई कर रहे हो और यूएसए क्रिश्चियन कंट्री है, पर उत्थे गुरुद्वारे भी आ उत्थे मंदिर भी होने हैं, तो क्या कभी उत्थे क्रिश्चियन लोगों ने जां इन्हां दा विरोध किया जां इन्हां नूं कहा होया कि असीं तुहानूं इत्थे ऐ नहीं करन देना जां पाठ नहीं करन देना जां इत्थे पूजा नहीं करन देनी कुछ? मैं कहा जी वो तो कहिंदे तुसीं सारे नूं बना लो लै जाओ सारे गुरुद्वारे लै जाओ सारे, उन्हां नूं तो मतलब कोई नहीं, उत्थे ते जिहड़े पुराने चर्च बंद पए ना जिहड़े मिशनां दे चर्च आ, क्योंकि उत्थे तुहानूं पता हुण पाप जिहड़ा आ संसार दे विच वध रिहा, जिहड़ी नवीं पीढ़ी पैदा हो रही है तो उन्हां दा ते सिस्टम ही इदां दा हो रहा, वो ते लाइक एक नास्तिक तरीके दे नाल ही है। हुण पुराने वड्डे वड्डे जिहड़े चर्च सीगे वो बंद पए आ, ठीक है, वो चर्चां नूं खरीद के उत्थे मंदिर बन रहा है, वह चर्चा खरीद के उत्थे गुरुद्वारा बन रहा है, वह चर्चा खरीद के उत्थे मस्जिदां बन रही हैं,
कभी किसी क्रिश्चन ने जाके विरोध नहीं किया भी असी इस चर्च को गुरुद्वारे च नहीं बदलन देवे, असी इस चर्च को मंदिर च नहीं बदल देव, क्योंकि बाइबल च लिखा परमेश्वर ने इंसान को आजाद मर्जी दे के बनाया, यदि मर्जी है इन्हें रब न मनना कि नहीं मनना, यदि मर्जी है उन्हें गुलाम करके नहीं बनाया, आजाद मर्जी दिती है। उस आजाद मर्जी को ध्यान रखते हुए हरेक बंदे आजादी देंगे है किन्ने कि मनना, ये तो कोई विषय ही नहीं गा। एक घर के मान लो चार जी है, प्यो नहीं उन्होंने जोर पा सकता तुम किनू मनना किनू नहीं मनना, वो अपनी मर्जी है उन्हें किसी मनना, एक एक नास्तिक तो कहना है ही नहीं गा, वो भी तो जिंदे ही है। सो इस करके उन्होंने कंट्री में इदा इदा ने कोई कभी है ही नहीं, बकायदा समान प्रबंध करके देंगे, कहते सू दसो कितने प्रोग्राम करना पूरी उन्होंने सिक्योरिटी भी देंगे सब कुछ देंगे करो, तो तुम दसो भी जिते उन्होंने को पूरा हक है भी वह लोगों लालच दे के बना सकते हैं जो जोर दे के बना सकते हैं, उत्थे तो उन्होंने कह दे भी आओ बनाओ। सो इतों पता लगता ना मतलब कह रहा भाव भी जेडे इल्जाम इल्जूम लाने कोई उस दम ही है नहीं गा, दम ही नहीं। हम उत्थे की है एक चर्च पिछे बिकया वो मंदिर वाले खरीदया, उस चर्च की जगह तो हम मंदिर है उत्थे, तो वह बहर उन्होंने इदा बनाई हुंदी ना अपने जी एक चर्च की लुक देने वास्ते उत्थे सलीब बनी हुई है, थले मंदिर है मंदिर चलता पाया है उपर सलीब का निशान अजे भी लाया नहीं गया, तुसी दसो इत्थे इदा हो सकता तो पांच साल तो चल रहा इदा ही किसी क्रिश्चियन ने जाके उहदे खड़ सामने खड़े होकर विरोध नहीं किया, सवाल ही पैदा होंदा। उस बाद उत्थे सौथरे च मुंडे हिल दे विच 111 स्ट्रीट है ठीक है जी लिबर्टी एवेन्यू नाल उत्थे बिल्कुल कंध दे नाल कंध आ चर्च है उहदे नाल ही हिंदू मंदिर बनया, तुसी दसो इत्थे पॉसीबल हैगा उत्थे है किसी क्रिश्चियन ने नहीं विरोध किया भी आ असी मंदिर चर्च के लागे मंदिर नहीं बन देवे वो भावें तुम एक गुरुद्वारा बना लो, उन्होंने मतलब ही कोई नहीं क्योंकि उन्होंने अपने प्रचार से भरोसा है, प्लस उन्होंने ये पता है भी बंदे को आजाद मर्जी है, बंदे जोर जबरदस्ती नहीं किसी मनाया जाता, जिन्हें चर्च होना चर्च आयो जिन्हें मंदिर होना मंदिर चल जाओ जिन्हें गुरुद्वारे होना गुरुद्वारे चल जाओ, कोई कोई इतना नहीं है। तो बस जिस तरह अभी देखते हैं भी कुछ लोग चिन्ह चमत्कार के खिलाफ भी बोलते हैं कहें जी ये पखंड करते लोगों पखंड करके दिखाते हैं तो इस करके लोग जो इन्होंने वाल जाते पे, तुम चिन्ह चमत्कार के बारे की कहना चाहते? चलो आप पखंड की गल करते ये भी पखंड कर लें, पखंड कि नहीं चलूगा जे ये कहते हैं भी ये झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं ठीक है जी, तो मैं चैलेंज करता भी मेरा जो बेटा ना बचपन तो ही हार्ट का मरीज सीगा तो मैडिकली लाइन के डेड है जिंदा 23 साल का हो गया, इन्हों को लै जाओ उन्होंने दुनिया दारे एक्सरे मशीन के स्कैनर के कट लो, चैलेंज है कहने झूठे चिन्ह चमत्कार चैलेंज है ठीक है, मैडिकल लाइन दसदी भी मरिया है सानू नहीं पता कि जीता है, वह शरीफ टैसट कर गए उत्थे हॉस्पिटल मेन मनिया है हॉस्पिटल वो इधरले कमरे जिन पा के गई है नर्स ये सारा समान समू ला के कहती जो सौजूगा ना तो उदो दसी मैं उधरों फिर वो स्टार्ट करूँगी मशीन, वो जो वो देखा भी सौ गया उसने स्टार्ट की मशीन तो वो उधरों मारती चीका एक भजदी कमरे के तो मैं उन्होंने पूछा की गल हुई तो उन दिन वो जो खड़ाक जहा हो तो मुंडा भी उठ के बह गया, वो बेचारी हैरान परेशान भी मेरा सिस्टम इन्हू डेड दसन दिया, और एक बार नहीं इस तरह इतने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली च लै गए, यानी कि तुरदा फिरदा जिंदा जागदा चमत्कार है ठीक है। गुरदासपुर इलाके दे विच तीन खुसरे सारी दुनिया नू पता सी भी वह खुसरे है, परमेश्वर ने अपनी अपार कृपा दे नाल उन्हां खुसरियां नू औरतां बनाया, अज भी जिंदे है उन्होंने शादियां कीतियां उन्होंने अज बच्चे है, किहड़ा माई दा लाल किहड़ा झूठे चमत्कार है।